बीए पास का सर्टिफिकेट हमारी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। और शिक्षा का सही अर्थ है समझदार होना। प्रिय उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपने और हमने कई बार सुना है कि बाबा साहब की तीन बातें, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। हमें इन तीनों बातों को अलग अलग समझने की बजाय, या तीनों को समझने की बजाय, या जल्दबाजी में इनकी चर्चा करने की बजाय, हमें सबसे पहले पहली बात को समझ लेना चाहिए। पहली बात कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनो, इस शब्द की व्यापकता, इस शब्द के व्यवहारिक जीवन में मायने क्या है। जब कोई शिक्षित हो जाएगा तो उसे अलग से ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप संगठित हो जाओ, और उसे यह भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप संघर्ष करो। आपको संघर्ष करना चाहिए। ये दोनों ही शब्द ठीक नहीं है संघर्ष के विषय में। अगर आप किसी को शिक्षित मानकर ये कहते हैं कि आप संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, तो ये शब्द ठीक नहीं है। जिसे कह रहे हो वो पात्र ही नहीं है कि वो आपकी इस बात को समझ ले, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। बीए पास का सर्टिफिकेट हमारी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। और शिक्षा का सही अर्थ है समझदार होना। इसको साधारण भाषा में बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि फलाने फलाने आदमी की समझ अच्छी है, वो समझदार है, अथवा फलाना फलाने है जो समझदार नहीं है, उसकी समझ अच्छी नहीं है। शिक्षा का अर्थ किताबों के ढेर को रट्टा मार लेना नहीं होता। और समझ का अर्थ अथवा शिक्षा का अर्थ पूछे गए प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिए हैं, उन चारों में से आपको एक सही बताना है, यह भी नहीं होता। शिक्षा का अर्थ रंग बिरंगे कपड़े पहनना, तरह तरह के डिजाइन वाले कपड़े पहनना, अथवा किसी बात विशेष पे जिद करना, अड़ जाना भी नहीं होता। तो फिर शिक्षा का अर्थ क्या होता है? कुछ लोगों से मैं पूछता हूं तो अक्सर नौजवान उत्तर देते हैं कि पढ़े लिखे होने का अर्थ है कि अपनी बात ढंग से कह लेना, थोड़ा पर्सनैलिटी ठीक रखना। थोड़ा क्यों, बहुत ज्यादा क्यों नहीं? तो फिर शिक्षा के मायने क्या है? ये अर्थ तो नहीं होता पढ़े लिखे होने का। पढ़े लिखे होने का सही अर्थ है, सही मायने हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। रियल मीनिंग टू बी एजुकेटेड इन अवर डे टू डे लाइफ। वही व्यक्ति पढ़ा लिखा या समझदार या सही में एजुकेटेड हो सकता है, या उसे कहा जाना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा है। कब? जब वह कोई ऐसा काम करता हो, उसके द्वारा किए गए काम का कारण उसे मालूम हो। एक बात, जब वह काम करता हो तो उस काम के विषय में दूरदृष्टि रखता हो। दो बात, और वह गलत और सही का फैसला सम्यक दृष्टि से, माने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले सके। उसकी निर्णायक क्षमता ठीक हो तो हम कह सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा है। मित्र और शत्रु में अंतर करना जानता हो, उसे यह मालूम होना चाहिए कि उसका मित्र कौन है और उसका शत्रु कौन है, तो हम कह सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा है। वो ये दावा करता हो कि वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और उसे स्वाभिमान के बारे में ए आ भी मालूम न हो, ए बी सी डी भी मालूम न हो, तो इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसका पढ़ा लिखा होने का दावा झूठा है। उसने समझदारी के नाम पे, एजुकेटेड होने के नाम पे भ्रम पाल रखा है। शिक्षा के मायने
इस बात में है कि क्या आप जड़ताओं को काट लेते हैं। शिक्षा का या शिक्षित होने का अर्थ है कि क्या आप अपनी बात लोगों को समझा पाने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर मुझे ठीक तरह से कहना चाहिए तो मैं कहता हूं कि शिक्षा का अर्थ है उत्तम कोटि का सामर्थ्य। क्या करने का सामर्थ्य? जीवन को ठीक करने का सामर्थ्य, समस्याओं का समाधान ढूंढने का सामर्थ्य। असल में शिक्षित होने का अर्थ है सामर्थ्यवान होना, शेखी भगारना नहीं। निर्णय लेने की बेहतर क्षमता का ही नाम है शिक्षित होना। हर काम में तकनीक अप्लाई करना, बेहतर युक्तियों का इस्तेमाल करना, बेहतर टूल्स का इस्तेमाल करना और दूरदृष्टि बनाए रखना, अधिकतम दूरदृष्टि बनाए रखना और बहुत पहले आने वाली सिचुएशन के बारे में निर्णय लेने का सामर्थ्य, इसे कहते हैं शिक्षित होना। जब ये सामर्थ्य आ जाता है तो फिर संगठित होने के मायने समझ में आने लगते हैं। माने वो लोग जो आने वाले समय के बारे में ठीक से जानते हैं, माने वो शिक्षित हैं और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, डेवलप होगी। पढ़े लिखे लोग आपस में बोलते कम हैं और एक दूसरे को समझते ज्यादा हैं। वो पढ़े लिखे हैं, बोलते कम है और समझते ज्यादा हैं। कम शब्दों में ज्यादा समझने का सामर्थ्य है पढ़ा लिखा होना। और पढ़े लिखे जब आपस में बहस करते हैं, यहां तक कि संसद में एक दूसरे पे कागज फेंक देते हैं और फुट्टे फेंक देते हैं, तो इसका मतलब वो जिद्दी हैं, पूर्वाग्रह से भरे हुए लोग हैं, शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित लोग माने विद्वान लोग, और इस प्रकार का व्यवहार विद्वान लोगों के आचरण का हिस्सा नहीं हो सकता। कम शब्द मगर सार्थक शब्द, ठीक अर्थ वाले शब्द, ठीक परिभाषा का निर्माण करने वाले शब्दों को बोलकर पढ़े लिखे लोग आपस में एक दूसरे को समझाते हैं। उनके निर्णय ये तय करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। उनके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय, पूर्व में की गई तैयारी ये सिद्ध करती है कि वो समझदार हैं। कोई सर्टिफिकेट ये सिद्ध नहीं करता कि वो समझदार है। सर्टिफिकेट तो केवल और केवल एक औपचारिकता है जो चीटिंग होने से, धोखा होने से, फ्रॉड से बचाती है किसी संस्था को, किसी व्यवस्था को। अगर इसे ये मान लेना कि आप समझदार हो तो ये गलतफहमी है। तो जब शिक्षित हो जाओगे तो आप शिक्षित लोगों को अलग से यह समझाने की आवश्यकता कभी भी नहीं है कि आप संघर्ष करो अथवा संगठित हो जाओ। संगठन का मतलब कुछ लोगों को सदस्य बनाकर संस्था का नाम रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होता, यह भी औपचारिकता ही है। तो फिर संगठन का मतलब क्या है? आपका यह सवाल मेरे से हो सकता है। संगठन का अर्थ है कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों के बीच में एक गहरी समझ होना, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग होना कि वो आपस में शब्द तो बोले कम और समझे ज्यादा। ये है स्वतः ही निर्मित संगठित, स्वतः ही संगठित लोग। और इसकी बुनियाद समझ ही हो सकती है। किसी भी संगठन की बुनियाद समझ होती है सदस्यों की संख्या, अपने आप को संगठन विशेष का सदस्य कहना, ये सब समझ पे निर्भर करता है। और जब शिक्षित हो जाता है तो वो संगठित स्वेता होता है, और संघर्ष का अर्थ झगड़ा नहीं होता, हाथ में लट उठा करके हिंसा करना भी नहीं होता। संघर्ष का अर्थ है पल प्रतिपल अपने लक्ष्य के बारे में ख्याल बनाए रखना, लॉजिकल पॉन्डरिंग अबाउट द अल्टीमेट गोल, वट एवर यू ऑल वॉन्ट टू गेट टिल द एंड ऑफ द लाइफ। आप जीवन के अंतिम छोर तक जिस लक्ष्य विशेष को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य विशेष का ख्याल पल प्रतिपल बना रहे,
इसी को कहते हैं संघर्ष करना। संघर्ष के सही मायने जब समझ में आ जाएंगे तो फिर हमारे बीच में बहस खत्म हो जाएगी। बहस इसीलिए है कि आपका दावा झूठा है, मेरा भी दावा झूठा है और हम आपस में बहस करते हैं। शब्दों का अभाव है, परिभाषाओं की ठीक समझ नहीं है, इसीलिए बहस है। तो पुनः इस पे विचार करना पड़ेगा। आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी टू ऑल। थैंक यू।